सो गाइस यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि मेरे को अभी रिचार्ज करने का जो कि 17 रुपये मिला गया। यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि मैं 719 रुपये रिचार्ज किया हूँ और यहाँ पे मेरे को 17 रुपये मिला। और यहाँ पे जैसे देख सकते हो कैश बैक और यहाँ पे मोबाइल प्रीपेड बिल पेमेंट, ठीक है, यहाँ पे जैसे देख सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे मेरे को 17 रुपये जो कि कैशबैक मिला है, ठीक है। तो गाइस आप सोच सकते हो कि आप ऐसे नॉर्मल अगर पेटीएम गूगल पे या अदर एप्लीकेशन से रिचार्ज करते हो 719 रुपया, तो आपको क्या यहाँ पे 17 रुपया कैशबैक मिलता है? नहीं मिलता है गाइस। लेकिन ये आप अगर सर्विस इस्तेमाल करते हो गाइस तो आपको 17 रुपया मिलता है एक रिचार्ज पे। तो अगर आप सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सो गाइज फिर से एक वीडियो के साथ आ चुके हैं आप लोगों के सामने। सो गाइज आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो आपको बताने वाला है कि ईटेक एप्लीकेशन से आप किस प्रकार से अर्निंग कर सकते हो। सो गाइज इसमें अर्निंग करने के लिए कुछ आप लोग को अलग नहीं करना है, वही करना है जो आप सदी से करते आ रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप मोबाइल रिचार्ज करते हो ना फोनपे गूगल पे पेटीएम या अदर एप्लीकेशन से, वही काम आपको कहाँ से करना है? ईटेक से करना है। अगर आप ईटेक से करते हो तो आपको अच्छा खासा जो कैशबैक मिल जाता है, जो कि मैं आपको लैब प्रूफ दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। सो गाइज इसी तरह से आपको बहुत सारा सर्विस मिल जाता है इस एप्लीकेशन में, जिसको आप इस्तेमाल करके अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो गाइस। और एक सर्विस जैसे कि हो गया, आप बड्डी चलाते हो ना, तो उसमें क्या पेट्रोल का आवश्यकता पड़ता है। तो आप पेट्रोल भरते हो तो फोनपे गूगल पे पेटीएम से या अदर एप्लीकेशन से आप उसमें पेमेंट करते हो, तो आपको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है ना। लेकिन वही काम अगर आप इसमें ईटेक से करते हो तो आपको अच्छा खासा कैशबैक मिल जाता है, जो कि मैं आपको लैब पर बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। सो गाइस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो लाइफ है वो पहले से चेंजिंग हो जाएगा होगा और आप एक बिजनेसमैन अच्छा खासा बन गया होगा, जो आप अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हो इसमें। ये बहुत सारा सर्विस है जिसको आप इस्तेमाल करके अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। अदर आप अगर आप फ्रेंड को करते हो सेल, वो भी सर्विस इस्तेमाल करते हो, तो उससे भी आप अर्निंग कर सकते हो। तो बहुत धमाकेदार वीडियो होने वाला है गाइस। वीडियो बनाने से सोशल कारण तक आपको इसमें किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या करना है, पूरा इस वीडियो में स्टेप बाई स्टेप बताते हैं, ठीक है। तो चलते हैं मोबाइल का स्क्रीन पर, वहाँ पर आपको पूरा डिटेल में बताते हैं। तो चलते गाइस मोबाइल का स्क्रीन पर। सो गाइस जा चुके हैं अपना मोबाइल का स्क्रीन पे। सो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जो कि ईटेक रजिस्ट्रेशन बोल के, ठीक है। तो क्या करना है कि आपको उस लिंक पे टैप कर लेना है, ठीक है। तो जब आप उस लिंक पे टैप करते हो तो आपका सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है, जो कि प्ले स्टोर में लेकर आ जाएगा आपको। फिर आपको यहाँ पे देख सकते हो ईटेक रिचार्ज बिल पेमेंट, ठीक है। तो इस जो कि एप्लीकेशन में आपको अच्छा खासा जो कि इनकम हो जाता है और इसमें अच्छा खासा आपको सर्विस मिलता है, जिसको आप इस्तेमाल करके अच्छा खासा कैशबैक और इनकम प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो वो किस प्रकार से करना है इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहना वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो क्या सबसे पहले आपको इसको इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है, ठीक है। तो चलो मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपका सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, वहाँ पे आपको टैप कर लेना है, ठीक है। तो चलो मैं टैप कर लेता हूँ। यहाँ पे टैप करते ही आपका सामने कुछ इस प्रकार से विंडो ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्या करना है कि इसको फिलअप कर लेना है, ठीक है। तो क्या करना है कि यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर टैप कर लेना है। तो चलो मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे टैप कर लेता हूँ। तो आपको अपना मोबाइल नंबर टैप कर लेना है, जिस मोबाइल नंबर से आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो चलो मैं अपना मोबाइल नंबर टैप कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो गेट ओटीपी पे टैप कर लेना है, ठीक है। तो गेट ओटीपी पे मैं टैप कर लेता हूँ। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है उसमें एक ओटीपी भेजा जाएगा, ठीक है। तो आपको उसी ओटीपी को यहाँ पे उठा कर डाल देना है, ठीक है। तो चलो मैं वेट कर लेता हूँ ओटीपी का। तो क्या यहाँ पे देख सकते हो 12:43 मेरा ओटीपी आ चुका है। तो चलो 12:43 में यहाँ पे ओटीपी डाल दिया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है। तो चलो मैं अख्तर डाल देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे अपना एक जो कि ईमेल आईडी डाल देना है, जीमेल आईडी, ठीक है। तो चलो मैं अपना जीमेल आईडी डाल दिया। फिर आपको यहाँ पे एड्रेस में आपको अपना जहाँ से भी आप रहते हो वहाँ का एड्रेस यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ। तो क्या यहाँ पे मैं अपना एड्रेस डाल दिया जो कि जरकी। फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पे पिन कोड डाल देना है जहाँ पे आप रहते हो, ठीक है। तो चलो मैं अपना पिन कोड डाल देता हूँ। तो गाइस आपको पिन कोड डालते ही आपका जो यहाँ पे स्टेट है वहाँ पे शो हो रहा होगा और आपका जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो है पासपोर्ट का ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको जो पासपोर्ट डाल लेना है आपका, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे पासपोर्ट लगा लेता हूँ। ठीक है, तो गाइस उसके बाद आपको यहाँ पे भी वही पासपोर्ट डाल लेना है, ठीक है।
एग्जाम्पल के तौर पे मैं डाल दिया हूँ आपको, ये नहीं आप अपना हिसाब से पासवर्ड ला के डाल देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है गाइज, इतना करने के बाद आपको यहाँ पे जो एक बॉक्स दिख रहा है आपको, इस बॉक्स में आपको टैप कर देना है, फिर आपको इस बॉक्स को रेड कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन पर आपको टैप कर लेना है गाइज, ठीक है। तो आप जब सबमिट का ऑप्शन पर टैप करते हो तो आपका जो मोबाइल नंबर है उसमें आपका तीन चीज़ जाएगा, ठीक है। पहला जाएगा जो आईडी, दूसरा जाएगा एक पासवर्ड, तीसरा जाएगा ट्रांजेक्शन पासवर्ड, ठीक है। तो आपको तीनों चीज़ को स्क्रीनशॉट लेके रख देना है या फिर उसको लिख के रख देना है गाइस, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि सबमिट करने के बाद वो पासवर्ड जाएगा, यहाँ से आपको बैक जाना है। अभी मैं सबमिट नहीं करने वाला हूँ कि मेरा पहले से आईडी लगा हुआ है, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपका जो इसमें आईडी लग जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो आपको क्या करना है कि बैक कर लेता हूँ मैं इसमें से, फिर आपको क्या करना है कि उस एप्लीकेशन को अप में चल जाना है, ठीक है, जिस एप्लीकेशन को अभी अभी डाउनलोड किए थे, ठीक है। यहाँ की इसका तीन एप्लीकेशन है, तो इस दोनों के बारे में मैं आपको बाद में दूसरा वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो अभी इसका बारे में बताता हूँ जिसको अभी आप डाउनलोड किए हो, ठीक है, तो उस दिन में, ठीक है। तो इसको फिर से आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है कि इसमें फिर मोबाइल नंबर डाल देना है जिस मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन किए हो, ठीक है। तो चलो मैं इस मोबाइल नंबर को डाल देता हूँ जो कि मेरा पहले से आईडी है इसमें, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है जो कि आपका मोबाइल पे पासवर्ड आया है, ठीक है। तो आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड नहीं डालना है, जो नॉर्मल पासवर्ड आया वही डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो चलो मैं अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेता हूँ, बाद में आप पासवर्ड चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पे जो आपका मोबाइल में अभी अभी पासवर्ड गया है उस पासवर्ड को डाल के लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो चलो मैं कर लेता हूँ। सो गाइज, इतना करने के बाद आपको यहाँ पे साइन अप पे टैप कर लेना है गाइज। टैप करने के बाद आपका सामने थोड़ा वेट कर लेते हैं, फिर आपका मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, ठीक है। उसी ओटीपी को आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है, ठीक है। तो चलो मैं वेट कर लेता हूँ। सो गाइज, मेरा मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ गया जो कि यहाँ पे देख सकते हो 1709, ठीक है। तो चलो मैं डाल देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे टैप कर लेना है गाइज, ठीक है। सो गाइस, सबमिट पे टैप करने के बाद आपका सामने कुछ इस प्रकार से विंडो ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि आपको अलग से अलग सर्विस यहाँ पे शो हो रहा होगा और उसका बेनिफिट भी अलग अलग है, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि आपको सबसे ऊपर दिख रहा है कि मोबाइल रिचार्ज का, जो एयरटेल, वोडा, आपका कोई सा सिम हो, आप मोबाइल रिचार्ज करके जो कि 4% का कैशबैक ले सकते हो। मतलब कि जो आप अगर 100 रुपये का अगर रिचार्ज करते हो तो आपको 4 रुपया मिल जाता है, अगर आप 200 का करते हो तो 8 रुपया, अगर 400 का करते हो तो 16 रुपया, तो आप समझ सकते हो 4% मतलब, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो कि आपको एचपी पे जो पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप पे अगर आप ड्राइविंग करते हो तो पेट्रोल जो भराते हो, तो अगर वही आप फोन पे, गूगल पे से या कैश देके भराते हो, वही अगर आप जो एचपी यहाँ से आप अगर सर्विस यूज करते हो तो आपको जो कि अच्छा खासा कैशबैक मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि आपको वाटर बिल हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल बिल हो गया, मोबाइल रिचार्ज हो गया, और यहाँ पे और बहुत सारा सर्विस है। यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि पैन कार्ड हो गया, आप यहाँ से पैन कार्ड भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा खासा सर्विस दिया हुआ है, तो आप अच्छा खासा सर्विस यूज करके अच्छा खासा कैशबैक प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आपको मैं मोबाइल रिचार्ज करके जो कि लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ क्योंकि कितना रुपये मेरे को कैशबैक मिलता है, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे एड मनी के ऑप्शन पे टैप कर देता हूँ गाइस, यहाँ पे जैसे देख सकते हो। तो गाइस, एड मनी आप कभी भी कर सकते हो, 24 आवर्स पूरा अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे जो 79 रुपया 30 पैसा मेरा है, ठीक है, अभी जो बैलेंस अकाउंट में, ठीक है। और यहाँ पे जैसे 2418 रुपया 30 पैसा मैं यहाँ से सर्विस इस्तेमाल कर चुका हूँ, ठीक है। तो मैं 500 रुपया पे टैप कर देता हूँ, यहाँ पे फिर वेट पे टैप कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आता है, एक UPI ID और एक हो गया जो कि ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है। तो चलो मैं ऑनलाइन पे यहाँ पे टैप कर देता हूँ गाइज। ऑनलाइन पे टैप करने के बाद यहाँ पे UPI पे टैप कर देता हूँ गाइज। UPI पे टैप करने के बाद यहाँ पे जैसे देख सकते हो आपको यहाँ पे शो हो रहा है UPI ID, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना UPI ID डाल देता हूँ पेटीएम का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना UPI ID डाल देता हूँ गाइज। तो गाइज, यहाँ पे मैं अपना UPI ID जो कि फ़ोन नंबर डाल दिया पेटीएम का, तो वही डाल के यहाँ पे मैं ओके पे टैप कर दिया। थोड़ा वेट कर लेते हैं, नेटवर्क स्लो है, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि मेरा पेटीएम पे जो कि चल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं ओपन कर लेता हूँ गाइस, तो यहाँ पे सीधा मेरा जो कि पेटीएम पे मैं लेके चल आ गया, और यहाँ पे देख सकते हो यूटेक क्या। तो मैं यहाँ पे 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 टैप कर देता हूँ गाइस, ठीक है। तो पे पे टैप करने के बाद यहाँ पे मैं बॉक्स में टैप कर देता हूँ, फिर ओके पे टैप कर देता हूँ। और यहाँ पे जो कि मेरा कौन सा सिम है, तो मेरा एयरटेल है, ठीक है, एयरटेल नहीं, मेरा जियो है, ठीक है। तो जियो पे टैप करके मैं ओके कर देता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा
पेटीएम जो अभी वेरीफाई नहीं हुआ था, तो मैं वेरीफाई कर लेता हूँ इसको, ठीक है। तो क्या यहाँ पे देख सकते हो कि पे करने का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो चलो मैं अपना यूपीआई पिन डाल के पे कर देता हूँ इसको, ठीक है गाइज। सो गाइज जैसे देख सकते हो कि मेरा 500 रुपये मैं यहाँ से पे कर दिया गाइज। तो यहाँ पे करने के बाद आपको क्या करना है कि बैक आना है, बैक आने के बाद आपको फिर से यूटेक में उसी में आ जाना है गाइज, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा जो कि 500 रुपया यहाँ पे 8 सक्सेस हो चुका है गाइज, ठीक है। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा मैं वेट कर लेता हूँ गाइज, ठीक है। तो रिफ्रेश करने के बाद फिर से मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि मेरा 500 रुपया ऐड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आप पैसा इजीली ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज पे मैं टैप कर देता हूँ गाइज। मोबाइल रिचार्ज पे टैप करने के बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है जिस मोबाइल पर आप रिचार्ज करना चाहते हो, ठीक है। तो चलो मैं इस नंबर को डाल देता हूँ यहाँ पे जिसमें मैं रिचार्ज करूँगा अभी। फिर आपको यहाँ पे ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद आप यहाँ से सुखा यहाँ पे जैसे आपका सिम भी शो हो रहा होगा कि कौन सा सिम है। तो यहाँ पे जियो मेरा सिम है, तो जियो यहाँ पे शो हो रहा होगा। और यहाँ पे आप ऑफ़र भी चेक कर सकते हो कि आपका सिम पे कितना ऑफ़र है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ ऑफ़र के ऑप्शन पे, यहाँ पे कितना मेरे को रिचार्ज करना है यहाँ पे पूरा शो हो रहा होगा यहाँ पे जैसे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मेरा 719 रुपया में यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे 84 दिन का यहाँ पे देख सकते हो 84 दिन का है, और 2 GB डेटा मेरे को मिलेगा, ठीक है। और पर दिन 2 GB डेटा मेरे को मिलेगा 84 दिन के लिए, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारा आपको ऑफ़र शो हो रहा होगा यहाँ पे जैसे देख सकते हो, ठीक है ना। तो चलो मैं अपना एक ऑफ़र सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि 666 रुपये में यहाँ पे जैसे देख सकते हो 666 रुपये में मेरे को कितना जो कि 84 दिन के लिए 1.5 GB डेटा मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कौन सा सेलेक्ट कर लूँ यार, यहाँ पे जैसे मैं 719 रुपये सेलेक्ट कर लेता हूँ गाइज, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे 719 रुपये में टैप कर लेता हूँ गाइज। 719 रुपये में टैप करने के बाद आपको यहाँ पे टैप कर लेना है रिचार्ज पे, ठीक है। यहाँ पे टैप कर लेना है गाइज। टैप करने के बाद यहाँ पे ओके कर लेना गाइज, थोड़ा वेट कर लेते हैं। वाट 719 वाट, मतलब मेरा गाइज यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा 500 है, ठीक है। तो और मेरे को 200 चाहिए, ठीक है। तो चलो मैं और 200 यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ सबसे पहले यहाँ से। चलो और 200 मैं ऐड कर लेता हूँ गाइज, ठीक है। फिर से यहाँ पे पेटीएम फिर से डाल दिया, फिर से वही करना है अपना नंबर डालना है, ठीक है। फिर से और 200 मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो गाइज देख सकते हैं फिर से चल गया, तो मैं फिर से पेटीएम पे आ गया। पेटीएम पर आने के बाद फिर से यहाँ पे पे का ऑप्शन पर आ गया। फिर से मैं अपना यूपीआई पिन डाल के 200 रुपया, ठीक है। तो कैसे देख सकते हो फिर से मैं 200 रुपया पे कर दिया। पे करने के बाद फिर से आपको क्या करना है कि यूटेक में चल जाना है। यूटेक पे फिर से मैं आ गया, यहाँ पे कर दिया ओके, ठीक है। थोड़ा वेट कर लेते हैं। ओके करने के बाद देख सकते हो यहाँ से फिर बैक कर लेते गाइज, ओके, ठीक है। फिर आप यहाँ से देख सकते हो थोड़ा रिसेट करते बैक करके, बैक करके फिर वापस आते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो 700 मेरा जो कि 79 रुपया जो कि यहाँ पे हो चुका है मेरा, ठीक है। तो अभी मैं आराम से रिचार्ज कर सकता हूँ, ठीक है। तो फिर से मैं मोबाइल रिचार्ज पे टैप करता हूँ यहाँ पे, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नंबर डाल देना है। डाल देता हूँ जो कि मैं अपना नंबर, ठीक है। उसके बाद फिर से अपना ऑफर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं कितना था 719 रुपये, ठीक है। 719 रुपये मैं कर लिया। 719 रुपये करने के बाद आपको यहाँ पे रिचार्ज पे टैप कर लेना गाइस, ठीक है। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपको बोले थे ना ट्रांजेक्शन पासवर्ड, तो वही आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालना है गाइस, ठीक है। तो चलो मैं अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल देता हूँ यहाँ पे। सो गाइस मैं अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल दिया हूँ, और यहाँ पे जैसे देख सकते हो थोड़ा वेट कर लेते हैं, प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे जैसे देख सकते हो गाइज मेरा जो कि रिचार्ज सक्सेसफुल हो चुका है, यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि आपका रिचार्ज सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। 719 का यहाँ पे मेरे को मैसेज भी आ चुका है गाइज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डन पे टैप कर देता हूँ गाइज। सो गाइज डन पे टैप करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि पासबुक का ऑप्शन दिख रहा है आपको, ठीक है ना। तो आपको पासबुक का ऑप्शन पर टैप कर लेना है गाइज, ठीक है। सो गाइज पासबुक का ऑप्शन पे टैप करके यहाँ पे मैं शो पे टैप करता हूँ। सो गाइज यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि मेरा रिचार्ज का जो पूरा डिटेल है यहाँ पे शो हो रहा है गाइज, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, ठीक है ना।
सो गाइस यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि मेरे को अभी रिचार्ज करने का जो कि 17 रुपया मिला गया। यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि मैं 719 रुपया रिचार्ज किया हूँ और यहाँ पे मेरे को 17 रुपया मिला। और यहाँ पे जैसे देख सकते हो कैश बैक और यहाँ पे मोबाइल प्रीपेड बिल पेमेंट, ठीक है, यहाँ पे जैसे देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को 17 रुपया जो कि कैशबैक मिला है, ठीक है। तो गाइस आप सोच सकते हो कि आप ऐसे नॉर्मल अगर पेटीएम गूगल पे या अदर एप्लीकेशन से रिचार्ज करते हो 719 रुपया तो आपको क्या यहाँ पे 17 रुपया कैशबैक मिलता है? नहीं मिलता है गाइस। लेकिन ये आप अगर सर्विस इस्तेमाल करते हो गाइस तो आपको 17 रुपया मिलता है एक रिचार्ज पे। तो अगर आप सोच सकते हो अगर आप और रिचार्ज कीजिएगा तो कितना आपको पैसा मिलेगा? और अगर ये तो सिर्फ आपका एक सर्विस का आपको पैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक सिर्फ रिचार्ज का आपका 17 रुपया मिला। तो आप अगर और अपना फ्रेंड का भी रिचार्ज कर सकते हो। और यहाँ पे बहुत बहुत ऐसा सर्विस है गाइस, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रिकल बिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल बिल हो गया, यहाँ पे वाटर बिल हो गया, और यहाँ पे आपका जो नीचे अगर आते हैं तो यहाँ पे जैसे देखते हो पैन कार्ड भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे हो गया और एक जो कि अगर आप ड्राइविंग करते हो तो कंपलसरी आपको जो कि पेट्रोल का आवश्यक पड़ता है, ठीक है। तो आप यहाँ से एचपी पे से पेट्रोल भी भराते हो तो आप सोच सकते हो कितना अर्निंग कर सकते हो गाइस, ठीक है। ये तो हो गया। और दूसरा हो गया और गाइस यहाँ पे दूसरा हो गया एक रेफ़ल करके, ठीक है। अगर आप किसी फ्रेंड को रेफ़ल करते हो तो अगर वो आपका रेफ़ल लिंक से अगर इसको रजिस्ट्रेशन करते हैं और अगर वो सर्विस इस्तेमाल करते हैं तो उसका भी आपको 20% आपको भी मिलता है, ठीक है। तो इससे क्या है कि आपको अच्छा खासा आप अर्निंग कर सकते हो गाइस, आपका लाइफ चेंज भी हो सकता है। ये एक बिजनेस हो गया जिसको आपको देखते ही वही तो काम करना है यार जो आप करते आ रहे हैं, ठीक है ना। आपको क्या चेंजिंग करना है? सिर्फ आपको जो एप्लीकेशन है वो चेंज करना है ना। आप तो ऐसे ही नॉर्मल मोबाइल रिचार्ज करते हो तो आपको वही करना है, लेकिन सिर्फ एप्लीकेशन चेंज करने में आपको कितना बेनिफिट मिल सकता है आप लैब प्रूफ देख लिए, ठीक है। अगर आप और ये तो आपको एक सर्विस का मैं दिखाया, इसका इस तरह से आपको बहुत सर्विस मिलेगा जिसको आप इस्तेमाल करते हो तो उससे आपको बेनिफिट मिलता है। अगर आप अपने फ्रेंड को कराते हो तो उससे आपको कितना, भाई दिन में आदमी 50,000 तक कमा रहा है भाई, आप विश्वास नहीं कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो आपको अगर इसमें इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप मेरा मोबाइल नंबर पर कॉल करके मेरे से बात कर सकते हो, 7042577159 आप लिख लीजिए, ठीक है। इस नंबर पे आप मेरे को कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हो और इसके बारे में और फुल डिटेल में जानकारी ले सकते हो, ठीक है। सो गाइज आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आपका फ्रेंड भी इसका लाभ उठा सके, ठीक है। तो आज का वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।